जो उठा सारा रारा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सपना जो गिरा सारा रारा। अरे जो गिरा है कभी तो उठेगा कप्पू। नमस्ते नमस्ते। आप फिर से आ गए हैं। बस पब्लिक का प्यार है। पब्लिक का या? पब्लिक का या इसका प्यार है? नवाज जी इज्जत का क्या है, इज्जत तो आती जाती रहती है, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। खैर नमस्ते 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 नमस्ते। सपना क्या कर रही है तुम? अरे तू देख कप्पू तेरी सपना 15 मिनट नमस्ते करके टक से आशीर्वाद लेके पक से कैसे निकलती है। बाबा हमसे नहीं होता, आप ही कर सकते ये। खैर पूरी कास्ट के लिए एक बार जोरदार ताली और नवाज जी के लिए बमबारी हो जाए। बमबारी मतलब ये क्या बोल रही हो? अरे नहीं मैं फिल्मों में देखी है इनको बम कट्टा दोनाली यही सब लगता है। खैर नवाज जी लेकिन आज बम कट्टा छोड़ के क्या बात है, फुलझड़ी लेकर आए बम से कम है। नेहा वेरी नाइस, वी आर ट्विनिंग। हाँ सेम, लेकिन फिर भी नवाज जी आप ही के बारे में सोचेंगे। आप बॉम हो, एटम बॉम। थैंक यू। नहीं लेकिन अगर आप फुलझड़ी है ना तो मैं पेड़ चढ़ी हूँ। आंटी मेरे छावा है ना मुकेश, हाँ उसके साथ मैं ना अभी जंगल में जा रही थी अर्चना जी, पीछे से भालू आ गया तो मैं पेड़ पे चढ़ गई। और मेरा बॉयफ्रेंड नवाज जी का बहुत बड़ा फैन था। अच्छा। तो वो 15 मिनट सांस रोक के पेड़ के नीचे ऐसा लेट गया। फिर बच गया वो? नहीं नहीं भालू ने भी किक देखी थी। उसका टक करने से पहले पक से उसने उसको पकड़ लिया। और नवाज जी क्या हाल बना रखा है? क्यों अच्छा खासा तो नहीं, इनका बंगला देखा है क्या हाल बना रखा है उसकी बात कर रही हूँ। माय गॉड इतना व्हाइट बंगलो ना आपका, वर्सोवा का व्हाइट हाउस बोलते हैं उसको। इतना व्हाइट कलर सर कहाँ से लाए आप? नहीं नहीं इतना व्हाइट है सामने से अंग्रेज लोग जाते ना वो लोग भी ब्राउन लगते हैं उधर। नवाज जी मालूम है मैं भी ऐसा कभी कभी सोचती हूँ मालूम है कि मेरे दादाजी की तरह मेरा भी बंगला हो। उनका भी बंगला था? नहीं वो भी सोचते थे। मेरे पास पैसा है बंगला बनाने के लिए लेकिन मैं बनाएगी नहीं। क्यों? क्यों नहीं तो वो सोचने की लेगेसी खत्म हो जाएगी ना घर की। है ना सही बात, सही बात। सही सही हम लोग बहुत दान खानी लोग हैं। अबे खानदानी लोग होते हैं। दान लेके खाते हैं ना हम लोग। कभी भीख नहीं मांगी हम लोगों ने। हाँ। खानदानी कौन होते हैं जिनका जमीर होता है, वो लोग मेहनत करते हैं, हम लोग मांग लेते। नवाज जी मैं आ सकती हूँ क्या उधर? आ सकती हूँ? मजा आ गया। ऐसा आप टक से छूते ना बहुत मजा। मैं टक नहीं मैं डिशुम करूंगा। नहीं मेरे को गदरीले लड़के बहुत पसंद है। नवाज जी हाँ जी ये जरा मीमो के साथ मेरा जुगाड़ सेट करो ना। वो क्यों करें जुगाड़ सेट तुम्हारा? अरे ये अगर जुगाड़ सेट कर देना तो इनका जुगाड़ फेल नहीं होता है, प्रोमो में देखी मैं। ये बोलती हैं कि तुम्हारा हर जगह जुगाड़ फेल हो जाता है तो मेरे डाउट है मुझे कि तुम्हारा जुगाड़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरे अभी दिखाती हूँ मैं आपको। मीमो जी आप मेरे को देख के वही सोच रहे हैं ना? हाँ। जो मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को देख के सोचता है। ए सपना हाँ वो कुछ नहीं सोच रहे। हाँ तो वो भी कुछ नहीं सोचता है। मेरा बॉयफ्रेंड भी कुछ नहीं सोच रहा है, ये भी कुछ नहीं सोच रहे, तू काहे को इतना सोचता है मेरे बारे में? नहीं नहीं लेकिन इसका सोचना बनता है। हाँ। क्योंकि शो इसके नाम पे है ना। हाँ। मेरा और अर्चना जी का क्या है? हम दोनों को तो सिर्फ औरत बन के आना होता है। अरे बाप रे मेरे को पहले मालूम था ये आदमी बैटरी पे चलते हैं। तभी इतना एनर्जी आप में है। मेरे को ना हाँ।
आपका ऊटी में वो बहुत अच्छा लगता है वो होटल नहीं मिथुन चक्रवर्ती हाँ मेरे को बहुत अच्छे लगते मैं छोटी थी ना उनका सब पिक्चर विक्चर देखती थी हाँ वो बोलते ना तेरी जात का बैदा मारू कप्पू तेरे को मालूम है इतनी फैन में तीन चार बैदा उनके पास लेके गई मैं अच्छा फिर हाँ कभी मारा नहीं उन्होंने बहुत अच्छे आदमी है वो मैं आपके डैडी को जी बुला सकती हूँ क्या बोलो तो ससुर जी को फोन लगाओ ना सपना है शादीशुदा है शादीशुदा है हाँ। कोई बात नहीं छोटा भाई ना नमाशी हाँ वो है हाँ उसका करवाऊ ना कुछ मेरे तो थोड़ा सा शर्म नहीं आती अभी इनके चक्कर में थी तू नहीं प्यार व्यार से मेरे को कोई लेना देना नहीं है मेरे को तो सिर्फ चक्रवर्ती चाहिए चाहे वो किधर से भी आए मेरी बीवी ना वो भी फिल्म सिटी में ही है तो जोर से जरा बोलोगे तो चल के आ जाएगी वो कोई नहीं हम दोनों मिलके एडजस्ट कर लेंगे आपके साथ में उसमें क्या है ऐसा कुछ नहीं और कैसे हैं बस अच्छा आप इतनी देर से बैठे आपने अभी तक ये लैंप के लिए गाना नहीं गाया लैंप के लिए क्यों गाएंगे अरे जब ये फैन के लिए गा सकते हैं ट्यूबलाइट के लिए गा सकते हैं तो लैंप के लिए क्यों नहीं गा सकते ये भी छोटा मोटा लैंप नहीं है सलमान खान प्रोडक्शन का लैंप है वो एक बार नेहा कक्कड़ के लिए जोरदार तालियां हो जाए नेहा शर्मा है ये हाँ मेरे को मालूम है मैं नेहा कक्कड़ के लिए अलग से बजवा रही हूँ क्यों वो उसने मेरे को बोला था कि अभी ना मेरा कोई एल्बम विल्बम नहीं आ रहा है तो ऐसा शो में बीच में नाम ले लेना वो मार्केट में भौकाल बना रहता है सब कप्पू तू बड़ा आदमी है रे ये 150 रुपए का प्रमोशन हम तेरे को नहीं बताते हैं और नेहा जी कैसे हैं आप बढ़िया आप कैसे हैं बहुत अच्छे हम लोग बहुत अच्छी लग रही हैं वैसे इनके लिए जोरदार ताली क्या खूबसूरत हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं थैंक यू नेहा जी आपके डैडी एमएलए है ना जी हाँ हमारा ना बहुत प्रॉब्लम चल रहा है तो हमारे घर के आजू बाजू का एरिया है ना उधर सब सड़कें टूट गई है डैडी को बोल के जरा उधर अरे वो एमएलए बिहार में है यहाँ पे थोड़ी ना बिहार में सड़कें बनवा लेना भिजवा देना हम लोग वहाँ बनवा के आप भिजवा दो बहुत प्रॉब्लम हो गया हमारे उधर एरिया में छोटे छोटे बात पे ना वो पुलिस वाला उठा के ले जाते छोटे छोटे बात पे अभी कल मैं मार्केट में गई मैंने ऐसा गन निकाला मेरे को पुलिस उठा के ले गई ये छोटी बात है गलत बात है ना उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए तेरे पास तो मैं लाइसेंस दिखाया उन लोग को वो लोग बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है मैंने बोला कोई बात नहीं मैं गाड़ी में बैठ के बंदूक चला लेगी मैं आपको सच्ची बताऊं हमारे एरिया में कोई ग्रोथ नहीं हमारे बाजू में शुक्ला जी रहते हैं 18 साल के बाद उनको बच्चा हुआ वो भी इतना सा सोचो आप इतना बड़ा सीईओ है वो कंपनी में हाँ। करोड़ों रुपया कमाए नंगा बच्चा पैदा हुआ उसको अभी हम गरीब लोग को भी नंगा अमीर लोग को भी नंगा है कोई फर्क तो होना चाहिए ना अभी हमारे ना पीछे वाला गली है ना आंटी उधर भूखा आती है ना अभी हम लोग क्या एनिमल लवर रहे ना हम लोग भी जानवर है वो हाथी को वो चार माले का बिल्डिंग था कैसे कैसे करके हम लोगों ने उसको टेरेस पे लेकर गए मालूम है टेरेस पे क्यों चढ़ाया हाथी को गन्ने ऊपर थे ना टेरेस में ऐसा गन्ने ऊपर से नीचे फेंक देते अरे नहीं बाबा पिछली बार अंडे फेंके थे हमने सब टूट गए थे बहुत नुकसान हो गया था सपना को आज तू कितनी फालतू बातें कर रही है कप्पू तेरे को एक बात बताऊं क्या सर फालतू बातें करने के लिए ना कॉन्फिडेंस चाहिए है कि नहीं फालतू बातें इधर और चेक सीधा बैंक में नहीं बाबा आप ही कर सकते हैं ये हमसे नहीं होता बाबा सपना तू इधर आके ना हमारा इंटरव्यू चल रहा था खराब कर रही तू अच्छा मैं तेरा इंटरव्यू खराब कर रही हूँ तो? तू मेरे को एक बात बता 10 साल हो गए तेरे को इंटरव्यू लेते लेते आज तक तूने किसी को जॉब दिया है कभी किसी को जॉब नहीं दिया इंटरव्यू लेता रहता और मेरे को बोलता है मैं खराब करती हेलो मैम जरीना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बहुत अच्छा हमको बहुत अच्छा लगा मैं तो वेट कर रही थी आप कब आएंगे बहुत
मैं फैन हूँ आपकी. मैं तो खुद आपको देखना चाह रही थी. अरे थैंक यू. मैं आपकी बड़ी फैन हूँ. देख के कैसा लगा इनको? बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी. मैं आपका पिक्चर देखी. वो आप वो है ना, वो शाहरुख भाई मार्केट में बोलते मम्मी जान कहती थी ऐसा नहीं करने का वैसा. हाँ, मैं देखी हूँ आपको. और अग्निपथ पिक्चर में भी थे ना आप. जी हाँ. यू नो आपको देखकर ना मेरे को मेरी चाची की बहुत याद आती है. वो भी एक्ट्रेस थी? नहीं, वो भी आदित्य पंचोली को बहुत प्यार करती थी. मेरी चाची बहुत प्यार करती थी उनको. हाँ, इतना प्यार करती, प्यार में पागल हो गई थी. जब आपकी शादी का पता चला ना, वो गांव से भाग के इधर मुंबई आ गई. तो रुकवाई क्यों नहीं शादी? नहीं, वो लिटरली भाग के आई थी ना, 4-5 महीना लगा उसको वाया औरंगाबाद. फिर उधर भागी औरंगाबाद आगरा वगैरह से. मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम लगा, 9-10 महीने लग गए होंगे. तब तक सूरज हो गया था. मैम मेरे को ना आपको एक और बात पूछनी थी. आप पूछे ना. अभी ऐसा होता है ना, हस्बैंड वाइफ कभी घर पे रहते हैं, कभी टाइम पास के लिए गेम वेम खेलते हैं. तो आप उनके साथ आंख में चोली खेलते हैं कि आंख में पंचोली खेलते हैं? एक्चुअली पता है क्या, मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, मैंने सबसे कोई ना कोई फालतू बात की है ना. तो अभी आप इतने सीनियर है, मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैंने आपसे फालतू बात नहीं कही आप नाराज ना हो जाए. इसीलिए मैं ऐसा बोली थी. मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग को मिलके. और सब अरे मेरे से नहीं गया, आपसे बातचीत नहीं किया ना नहीं. मैंने ओहो, आपका ना पिक्चर का प्रमोशन चल रहा है ना. हाँ, तो आप शूटिंग वूटिंग में बिजी रहेंगे. मैं तो सिंगर हूँ. फिर भी प्रमोशन में आप बिजी है ना अभी फिलहाल. तो अच्छा, जब आप फ्री हो जाएंगे मैं आपसे बाद में बात करूंगी. ओके बाय. फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.